बाबूजी, चाय। चाय लीजिए बाबूजी, लीजिए। हमने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम इस घर में मेहमान हो। तुम्हें ये सब काम करके खुद को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। घर की बहुएं हैं ना ये सब काम करने के लिए। तुम गेस्ट रूम में जाओ, हम तुम्हारी चाय वहीं भिजवा देंगे, ठीक है? जाओ। बाबूजी, आप पूछेंगे नहीं ये सब क्या हो रहा है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन को देखने का और उसे जीने का नजरिया क्यों बदल दिया हमने? बाबूजी, हम हमेशा बुराई को खत्म करना चाहते, गलत को सुधारने में विश्वास रखते थे, मगर यह हमारी भूल थी। परिस्थितियों ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया कि अगर हालात को सुधार ना सके उन्हें बदल देना चाहिए। बाबूजी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस परिवार के भलाई के लिए कर रहे हैं, हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तेरी बातों पर अब विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है रंजीत, और इसकी वजह तू खुद है। तूने मुझसे उस रिमझिम को छीन लिया है जो मेरे दिल से निकलने वाली कविताओं का जीता जागता रूप थी। उस रिमझिम पर से मेरा विश्वास छीनकर तूने मुझ पर मेरा विश्वास कमजोर कर दिया है। बाबूजी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, और हमें यकीन है हम आपका विश्वास जीत के रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कल हम चुप थे और आज हम चुप नहीं रहेंगे। नहीं, अभी तक मुंबई में ही हो, तुम्हें तो इंडिया छोड़कर चले जाना चाहिए था ना। प्रेम के पास विजय, तुम्हें तो कुछ भी करो, नया पासपोर्ट बनाओ, लेकिन इंडिया छोड़ दो। हाँ हाँ, पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे, जैसे तुम्हारा जाना कंफर्म हो मुझे फोन करके बताओ। ये विजय क्या कर रहा है, इसे तो अब तक इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए था। अरे वो प्रेम के आदमी इसे ढूंढ रहे होंगे, और वैसे भी क्या नाम से बहू रानी, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, हर पासा उल्टा पड़ रहा है। अब देखो ना, हम लाख कोशिश कर ले लेकिन आज भी सच्चाई ये है कि रिमझिम ही अविनाश की असली पत्नी है, और हम चाहे तो भी इसे झुटला नहीं सकते। झुटलाएंगे चाचा जी, बस मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। ठीक है बाबा, तुम सोचो और हम भी इधर देखते हैं कि प्रेम के आदमी विजय तक ना पहुंच पाए। बस मैं निकल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूं। या टेल हिम टू वेट फॉर मी। बाबूजी,
क्या बात है मालिनी, रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं भैया, मैं समझ सकता हूं मालिनी, इस वक्त घर का जो माहौल है उसका काफी प्रेशर है तुम पर। कुछ समझ में नहीं आता भैया, क्यों भाभी क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है? मैं तो उनकी इतनी इज्जत करती हूँ, उन्हें इतना मान देती हूँ, फिर भी वो एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती है वो, लेकिन क्यों? मैंने तो आप लोगों की इतनी हेल्प की। याद है आपको जब आप प्रॉब्लम में थे तो मैंने फाइनेंशियल से बात की, यहां तक कि अपनी कंपनी भी गिरवी रख दी। वो फाइनेंसर बार बार मुझे फोन करता है और मैं हर बार उसे टाल जाती हूँ, लेकिन घर के जो हालात है टेंशन में आके डरती हूँ कहीं फाइनेंसर को कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ। पता नहीं इस घर का क्या होगा। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। नाश्ता किया? नहीं शुदा, मैं जरा जल्दी में हूँ। ऑफिसर्स कभी भी इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं, इसलिए सोचा जाके खुद ही अकाउंट चेक कर लूँ। तुम कहाँ से आ रही? मैं बस यहीं थी। चलता हूँ। यशोदा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो यशोदा, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें रिमझिम बहुत पसंद है, काफी लगाव है तुम्हारा उसके साथ। मैं ये भी मानता हूं कि रिमझिम ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत दुख भी उठाया उसने, लेकिन यशोदा ये वक्त किसी एक की तरफदारी करने का नहीं है, फिर चाहे वो रिमझिम हो या मालिनी। राकेश, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही। मैं इतना जानती हूँ कि रिमझिम सच्ची है और मालिनी झूठी। कैसे मान लूं कि मालिनी झूठी है? क्या कुछ नहीं किया उसने इस घर के लिए, और खास तौर से मेरी कितनी हेल्प की है उसने। राकेश, आप चाहते हैं कि मैं उस मक्कार मालिनी का साथ दूं क्योंकि उसने आपकी मदद की है? आप क्यों नहीं समझते कि ये उसका प्लान था? उसका क्या प्लान था क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस वक्त हम मालिनी को नाराज नहीं कर सकते। आप कितने सेल्फिश हो गए राकेश, आप जानते हैं कि रिमझिम सही है फिर भी। इस दुनिया में कौन सेल्फिश नहीं है यशोदा, मगर मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारा इस तरह से रिमझिम को शह देना इस परिवार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और खास तौर से मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। राकेश, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस घर पर रिमझिम का पूरा हक है, और उसे ये हक दिलवाने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। आपकी दवा का वक्त हो गया है, ले लीजिए। मालिनी बहू, मैं नहीं। मत, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए।
मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। मैं तो बस सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तुम कोई अधिकार मांग भी नहीं सकती मालिनी, क्योंकि तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये हमारी सास है, हम इनकी बहू। माँ जी दवाई खा लीजिए। नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम क्या समझती हो, ये सब नाटक करके तुम मेरा दिल जीत लोगी? और तुम होती कौन हो मेरे और मालिनी के बीच में रिश्ता तय करने वाली? एक बात याद रखना, पहले दिन से लेके आज तक मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना और ना ही कभी मानूंगी। आपके माने ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी, हम इस घर की बहू थे, हैं और रहेंगे। और ये रिश्ता हमने नहीं बनाया, बाबूजी ने और अविनाश ने बनाया है। आप हमारी सास हैं और हम आपकी बहू हैं, ये रिश्ता कोई नहीं बदल सकता। और माँ जी आप हमसे नफरत करें, हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर किसी और को बहू माने ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दवाई खा लीजिए माँ जी। दवाई खा लीजिए माँ जी। मैंने क्या कहा सुना नहीं? दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। मैं दवाई सिर्फ मालिनी के हाथ से खाऊंगी, तुम्हारे हाथ से नहीं। दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी माँ जी। माँ जी आपको अविनाश की कसम है, दवाई खा लीजिए। ए लड़की! अविनाश की कसम है माँ जी। अविनाश सर फट जाएगा रिमझिम मेरा सोच सोच के। जिंदगी में आज तक मैं कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ हूं। कंफ्यूजन ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, कंफ्यूजन ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या डिसाइड करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। रिमझिम प्रेम की जमानत हो गई है। रिमझिम उसने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है कि वो जल्दी विजय को। क्या बात है रिमझिम, तुम परेशान लग रही हो?
भाभी अविनाश बहुत परेशान है, हम नहीं देख सकते उनको ऐसा। हमने आज तक बुआ जी से या माँ जी से इतने तीखे शब्दों में बात नहीं की। भाभी आज हमने पहली बार बाबूजी की आंखों में हमारे लिए अविश्वास देखा है। ये सब करके हम अपना हक तो पालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रिमझिम, बस एक बार मालिनी की असलियत सबके सामने आ जाए, तुम दोबारा सबका भरोसा और विश्वास जीत लोगे। कब भाभी, कैसे हम कैसे सबको यकीन दिलाए कि हम सच बोल रहे हैं? एक तरीका है रिमझिम, तुम्हारा फोन देना। हेलो समीर, मैं यशोदा भाभी बोल रही हूँ। रिमझिम बिटिया सही है, मालिनी बेबी सही है। अरे हम कह रहे हैं रिमझिम बिटिया सही है। अरे हम कह रहे हैं ना मालिनी बेबी सही है। ए ड्राइवर, तोरे कहे इसका अर्थ है? अरे हम कह रहे हैं कि रिमझिम बिटिया सही है, इसका मतलब है कि रिमझिम बिटिया सही है। अबे रसोइये, हम कह रहे हैं ना मालिनी बेबी सही है, मतलब मालिनी बेबी सही है। हम कह दिए रिमझिम बिटिया जो कह रही है वो सच कह रही है, और जो मालिनी है ना हमें तनी कम समझ में आवत है। हम कह रहे हैं तो उसे कि गड़बड़ है। अरे तुमको तो इस घर में हर चीज गड़बड़ दिखाई देती है। अरे जब गड़बड़ होगा तो गड़बड़ दिखाई देगा ना। हम कह रहे हैं तो उसे वो ससुर प्रेम जो है ना वो चैप्टर है, निकला ना चोर। हाँ लेकिन सुधर भी तो गया ना। है क्या है ना कि हमारी रिमझिम बिटिया जो है ना वो पारस पत्थर के समान है, जो उनके संगत में रात सोना हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है महाराज जी। का? हमारी रिमझिम बेबी के साथ में हाँ? हर आदमी रहकर सोना बन जाता है। हाँ, सब मान गए हो ना। लेकिन एक बात बताओ महाराज जी, क्या तुम पत्थर के पत्थर कैसे बने रहे? हाँ भाई, ये तो हम नहीं समझ में आवा कि हम पत्थर कैसे। बाबूजी। अरे समीर भाई, लगा बाबूजी। जीते रहो बेटा, कैसे आना हुआ? बस मुंबई में कुछ काम था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अच्छा क्या, बच्चे कैसे हैं और सावी? सब ठीक है बाबूजी। बाबूजी समीर आपसे कुछ कहना चाहता है।